नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के विधायक विपुल पटेल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि बीबीसी के पास भारत और भारत सरकार के खिलाफ काम करने का एक छिपा हुआ मकसद है। प्रस्ताव में डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा गया है कि इसका मकसद विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करना है। प्रस्ताव को 2 घंटे की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। पटेल ने विधानसभा में कहा, यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए अविश्वसनीय पहलुओं को लेकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उन पर टूरिज्म अधिकारियों के जरिए थीम पार्क के उद्घाटन में पैसा हड़पने और 20 गुना ज्यादा दाम पर टेंडर देने जैसे आरोप भी हैं। विधानसभा में सीएम भगवंत मान, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ तीखी कहासुनी के दौरान चन्नी पर रेत खनन में कथित अनियमितता का आरोप लगा चुके हैं। अब विजिलेंस ने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं लुकआउट नोटिस से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया से गुरु रविदास जी के नगर कीर्तन में शामिल होने का निमंत्रण आया था, लेकिन मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सदन में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पकड़ लो और पर्चा दर्ज करना है, इसीलिए मैं अपनी यात्रा रद्द कर रहा हूँ। वो पीछे से कहेंगे कि वो तो विदेश भाग गया, इसीलिए मैं अब अमेरिका नहीं जा रहा हूं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को प्रदेश के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजाब सरकार के इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन पिछले साल नवम्बर में अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। बता दें, भगवंत मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था। इसके अलावा इस बजट में हर महिला को 1000 रुपये प्रति महीने पार्टी की चुनावी गारंटी को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। इस वादे को आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़कर प्रचारित किया था। इस बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। वहीं सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी साध ली। तेजस्वी यादव 11 मार्च यानी आज सीबीआई द्वारा होने वाली पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। सीबीआई के सूत्र के मुताबिक तेजस्वी यादव के द्वारा उनकी पत्नी की खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं, इसी वजह से वो पूछताछ के लिए नहीं गए। बता दें, शुक्रवार को ही लालू यादव ने ट्वीट कर कहा था कि ईडी ने उनकी बहू को भी प्रेगनेंसी की हालत में 15 घंटे बिठा कर रखा था। लालू यादव ने सवाल पूछा था, क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। लालू ने कहा था कि मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपा ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है, क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे लड़ाई लड़ेगी। संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। लालू ने कहा कि इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के सामने नतमस्तक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय एजेंसियों के छापों को लेकर कहा है कि बीजेपी कुछ भी नया नहीं कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वही कर रही है जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है, जो परंपरा कांग्रेस ने डाली है वही बीजेपी कर रही है। जो छापा मारते हैं उनका वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ था। अखिलेश ने कहा, अगर ये छापा मारते हैं तो कल बीजेपी का नाम लेने वाले लोग नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी देश के बहुत से नेताओं पर सीबीआई, ईडी के छापे मारे। आज कांग्रेस जमीन पर पहुंच गई है तो कल बीजेपी भी जमीन पर पहुंचेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ और छापेमारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। कल ईडी की छापेमारी को लेकर खड़गे ने ट्वीट कर कहा, पिछले 14 घंटों से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। जब देश से भगोड़े करोड़ों लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी।
जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती है? इस तानाशाही का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार और करीबियों पर हो रही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन पर कार्रवाई हो रही है वो जवाब दे रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना है? शुरू से लेकर अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कहीं कुछ होता है तो उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। जिनके बारे में अभी हो रहा है 2017 में हुआ था, सारी बात हो गई और हम अलग हो गए। अब 5 साल बीत गया, अब हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं, तब फिर से रेड हो रही है, अब इसमें क्या कहें? बता दें, काफ़ी समय से नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेलंगाना के एमएलसी और भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी की नेता के कविता से ईडी ने आज 11 मार्च को पूछताछ शुरू कर दी है। कविता की गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। कविता बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया के मामले में कल शुक्रवार को ईडी ने कोर्ट में कहा था कि साउथ कटेल को के कविता ही चला रही थी, वो सिसोदिया के संपर्क में थी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर ने कविता की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। सूत्रों ने बताया कि बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने शुक्रवार को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में एक बैठक में पार्टी कार्यकारिणी को बताया कि मेरी बेटी कविता को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने केटी रामाराव और टी हरीश को बेटी की मदद के लिए दिल्ली भेजा है। दोनों मंत्री शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। सीएम ने बैठक में कहा कि वे इस तरह की गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने ईडी पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिल्लई ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उनसे जबरदस्ती बयान पर दस्तखत कराए हैं। इसको लेकर अरुण पिल्लई ने हैदराबाद की एक अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाए हैं। बता दें, ईडी का दावा है कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के करीबी हैं और कथित साउथ कर्टेल के मुखिया हैं। वहीं हैदराबाद की अदालत के विशेष जज एम के नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में 13 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि मोदी सरकार उनके हौसले नहीं तोड़ सकती है। सिसोदिया की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है, साहेब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे। ट्वीट के अंत में लिखा गया है, जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित पिटाई करने वाले मामले की जांच के लिए तमिलनाडु गई 4 अफसरों की टीम वापस आ गई। टीम ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। साथ ही मीडिया के सामने टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर किए जा रहे कथित हमले का वीडियो फेक निकले हैं। तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। टीम ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही जांच में पाया है कि इससे संबंधित वीडियो फेक थे। बता दें, बिहार के लोगों की तमिलनाडु में पिटाई का मामला काफी गर्मा गया था। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात की। वहीं एमके स्टालिन ने फेक खबर फैलाने के लिए उत्तर भारत के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार बताया था और कहा था ये फेक खबरें उसके एक दिन बाद फैलाई गई हैं जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात कही थी। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के मुताबिक होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल यूपी सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित 5 सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पीटीआई के मुताबिक यूपी के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यूपी सरकार अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग करेगी, जहां मामला विचाराधीन है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और ओबीसी के लिए पूर्ण आरक्षण का समर्थन किया है। हम इस रिपोर्ट को 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले हैं और अदालत के निर्देशों के अनुसार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट को मीडिया से साझा नहीं किया है। सबसे बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को कर्ज देने के लिए जाने जाने वाले सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग गया है। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को शुक्रवार को रेगुलेटर्स ने बंद करने का आदेश दिया। ये अमेरिका के इतिहास में 2008 के वित्तीय संकट के बाद अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर है। बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई। इसके बाद इसे कारोबार के लिए रोक दिया गया।
रॉयटर्स के मुताबिक SVB के शेयर गिरने की वजह से पिछले दो दिनों में अमेरिकी बैंकों को स्टॉक मार्केट में 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं यूरोपियन बैंकों को 50 अरब डॉलर का घाटा हुआ। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को सिलिकन वैली बैंक टेकओवर करने की घोषणा की। इसके साथ ही उसे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सिलिकॉन बैंक अब 13 मार्च को खुलेगा, जिसके बाद सभी इंश्योर्ड डिपॉजिट्स के पास अपने डिपॉजिट्स निकालने की छूट होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। तीसरे दिन के खेल के खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 289 रन बना लिए। विराट कोहली 59 और रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 191 रन पीछे है। जडेजा और कोहली के बीच 44 रनों की साझेदारी हो चुकी है। पारी के दौरान शुभमन गिल ने अपना दूसरा टेस्ट शतक भी जड़ा है, तो चेतेश्वर पुजारा ने 42 रन बनाए और रोहित शर्मा 35 रन ही बना सके। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।